वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग लारावेल के अंदर कस्टम व्यू क्रिएट कर सकते हैं और उस कस्टम व्यू को शो करवाने के लिए किस तरह से हम लोग कस्टम राउट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, रिसोर्सेज के अंदर आना। रिसोर्सेज के अंदर इस व्यू के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नेम हम लोग रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेम रख देते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ कस्टम, ठीक है। और उसके बाद इसकी एक्सटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली लारावेल जो है वो HTML को सपोर्ट नहीं करता, तो लारावेल के अंदर जितने भी व्यूज हम लोग बनाएंगे उनकी एक्सटेंशन हम लोग रखेंगे blade.php, ठीक है। एंटर हिट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो एक व्यू क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये कस्टम व्यू, कस्टम व्यू का मतलब हमने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो व्यू क्रिएट किया और इस तरह से मल्टीपल आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज इसके अंदर हम लोग सिंपल एक हेडिंग टाइप कर देते हैं और इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख देते हैं कस्टम व्यू, ठीक है। अब ये व्यू तो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हमने इसको एक्सेस कैसे करना, प्रॉब्लम तो वो है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक राउट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो राउट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये व्यू के नीचे हमारे पास फोल्डर पड़ा हुआ राउट्स का, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, web.php के अंदर आना। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वेलकम पेज इस वक्त शो हो रहा है, इसका ये डिफॉल्ट राउट इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लिखेंगे राउट गेट। ये राउट क्या करेगा, एक URL गेट करेगा और URL हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैं इसको फिलहाल कमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पे लिखा हूँ कस्टम, ठीक है, एंटर हिट करूँ तो मुझे जो है वो कस्टम व्यू जिसके अंदर हम लोगों ने एक हेडिंग वन क्रिएट की हुई है वो शो हो जाए। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये राउट क्रिएट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो कस्टम व्यू शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली राउट क्रिएट करना है। तो राउट के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा पाथ URL जिसको हम लोग ब्राउजर पे सर्च करना चाह रहे हैं। तो मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल कस्टम, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है एक फंक्शन, ठीक है, जो फंक्शन हमें क्या करेगा, व्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और उसके बाद ये फंक्शन हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न क्या करेगा, वो व्यू जिसको हम लोग रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और रिटर्न व्यू, और व्यू का नेम सिंपली हम लोग लिख देंगे कस्टम। कस्टम के नाम से हम लोगों ने व्यू क्रिएट किया था, और यहाँ पे आप नेम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कस्टम हो। लेकिन ये जो व्यू है ये आपने लाजमी वही लिखना है जो आपने फाइल का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। फाइल का नेम हम लोगों ने कस्टम लिखा हुआ था, तो कस्टम व्यू हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न करवा लिया। और इसके साथ blade.php लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सेव करते हैं, और सेव करके अगर इस पे रन करते हैं, ठीक है, तो अभी हमारे पास वेलकम ब्लेड जो है वो रन हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल कस्टम, ठीक है, और एंट्री हिट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो कस्टम व्यू हम लोगों ने क्रिएट किया था उसको कस्टम राउट के थ्रू हम लोगों ने जो है वो एक्सेस कर लिया। तो इस तरह से हम लोग लारावेल के अंदर मल्टीपल व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल राउट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।